बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 26 रमज़ान की अफ्तारी हो चुकी है और इस वक्त पीटीआई के मैंने मोहतरमा जनाब नुसरत वाहिद साहिबा और आलम साहब इस वक्त यहाँ विजिट पे आए हैं। आज एडीसी राशन पैकिंग वाली जगह पर हमने सारी चीज़ें इनको दिखाई किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सब बताया। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसा लगा सब कुछ आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अमेज्ड कहना चाहिए, इतना माशाल्लाह ऑर्गेनाइज तरीके से और इतना ज़्यादा, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस मच। और आप कह रहे हैं 37 लाख लोगों को आप पहुंचा चुके हैं माशाल्लाह, इससे ज्यादा अफराद का राशन जा चुका है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं है सब कुछ देख के, इतना नेक काम आप कर रहे हैं और सारे ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सब आपके लिए जी बिल्कुल आपका हाथ बटा रही हैं और आप इस काम में दिन रात आपने किया हुआ है। रमजान के दिनों में इस तरह काम करना कोई आसान काम नहीं है। रोजा खोल के मुझे बताया किस तरह की हालत हो जाए। अभी तरावी के बाद आप देखेंगे कितना रश होगा पैकिंग करने वालों का। और आलम साहब कैसा लग रहा है सब कुछ देख के? आप आज देखें, हमें तकरीबन 70 डेज हो चुके हैं नॉन स्टॉप ही काम करते हुए। सहा भाई, सबसे पहले तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस माशरे में आप जैसे लोगों की मदद के लिए मुकर्रर किया है और इस वक्त जो हालात दिखे हैं, इन हालात में जिस अंदाज में आप काम कर रहे हैं, रियासत का काम होता है और आप रियासत के बजाय अवामी खिदमत में मसरूफ हैं बगैर किसी नमूद और नुमाइश के, ये एक बड़ा कारनामा है। इस वक्त नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इसका फायदा उठाते हुए मोहतरमा से दरख्वास्त करूंगा कि अरबाब आला अख्तियार के साथ ये मैसेज पहुंचाएं, कम से कम हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे। जफर अब्बास उनसे कुछ नहीं मांग रहा, जफर अब्बास ये कह रहा है कम से कम जो काम मुझे करने का है उसको करने दिया जाए, उसमें अगर हमें कोई वसाइल नहीं दे सकते तो मसाइल भी पैदा ना करें। तो ये पैगाम सबसे पहले मैं समझता हूँ होना चाहिए और आने वाले वक्तों में इस बात का यकीन रखता हूँ जिस तरह आप काम कर रहे हैं। देखिये, पाकिस्तान वो वाहिद कौम है पाकिस्तानी जो देना जानती है, ठीक, अगर उसको इस बात का यकीन हो जाए कि जिन हाथों में हम दे रहे हैं उन हाथों से सही अंदाज में सही जगह पे पहुंचेगा, तो इस वक्त अल्लाह ताला का फरमान है हुक्म इबाद, मैं समझता हूं आप उसके लिए एक पुल का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जगह खैर दे, आपको तमाम लोगों की बहुत इज्जत दे, बहुत सेहत दे, आप लोग खुश रहें सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। इस वक्त यहाँ पर राशन की पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी है, गाड़ियां बाहर लिखना शुरू हो गई, बाकी तफसीलात आपको दिखाते हैं।